हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आईफोन 14 प्रो मैक्स और सैमसंग का जो नया फोन लॉन्च हुआ है वो S23 अल्ट्रा के बारे में। फ्रेंड्स, जो S23 अल्ट्रा है वो लुक वाइज बहुत ही तगड़ा दिखता है, जो लेकिन ये भी आईफोन की तरह S22 अल्ट्रा का कॉपी है, मतलब कॉपी के लुक में सेम टू सेम है। और 13 तो जानते ही हैं, 11 से उसका परंपरा चलते हुए आ रहा है, मतलब वही दिया है और मतलब लुक में। और क्या होता है कि आपको आईफोन में क्या होता है कि आपको ऐसे बड़ा हुआ कैमरा दिखेगा और कैमरा थोड़ा अच्छा देखने को मिलता है फ्रेंड्स। और ये नहीं कि सैमसंग कमजोर है, वो इससे आगे ही है 2-3 कदम कैमरा के मामले में। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बेस वेरिएंट मतलब देखने को मिल जाता है 14 प्रो के प्रो मैक्स के तरफ से 6+128 और उसके तरफ से 12+256। फ्रेंड्स, इसमें आपको लुक अच्छा देखने को मिलता है जो कि मैंने आपको बताया। और यहाँ पर आपको S23 अल्ट्रा में मेन फीचर हाईलाइट किया है कि आप यहाँ पर ले सकते हो 200 मेगापिक्सल तक के फोटो और मतलब जूम कर सकते हो, उस समय रही जूम करता है, मतलब क्या चंदा मामा को जूम करके देखता है सब, तो वही। और यहाँ पे आईफोन में भी कर सकते हो लेकिन उतना अच्छे से मतलब नहीं हो पाता है। और फ्रेंड्स, इसकी बेस वेरिएंट की बात करें तो 1,27,999 का है आईफोन 14 प्रो मैक्स 6+128 GB। और यहीं पे आपको बात करें तो सैमसंग S23 अल्ट्रा वो जो कि ज्यादा स्पेसिफिकेशन के साथ आपको कम दाम में देखने को मिल जाता है। फ्रेंड्स, ये दोनों आपको मतलब दोनों क्या, ये एंड्रॉयड जो है, ये आपको सैमसंग S23 अल्ट्रा आपको एंड्रॉयड देखने को मिलता है, जो कि आपको सबसे मतलब अब तक का सबसे पावरफुल प्रोसेसर 8 Gen 2 पे है। और यहाँ पे ये जो आईफोन 14 प्रो मैक्स है वो A16 बायोनिक चिप के साथ आता है। फ्रेंड्स, ये भी बहुत ताकतवर चिप्स है, मतलब चिप है। और यहाँ पे भी आप दोनों फोन में फ्रेंड्स आप हार्ड कोर गेमिंग कर सकते हो। अब इससे मतलब पावरफुल नहीं आता फ्रेंड्स, ये भी बहुत पावरफुल है, ऐसा नहीं कि A16 कमजोर है, मतलब ये भी बहुत पावरफुल होता है फ्रेंड्स। यहाँ पर यही दिक्कत है कि आपको उससे कम दाम में ज्यादा चीज देखने को मिल जाता है। फ्रेंड्स, इसका एक अच्छा चीज जो है सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा में कि आपको यहाँ पर एस पेन देखने को मिल जाता है। फ्रेंड्स, क्या होता है कि इसमें एयर गेस्चर कंट्रोल करता है, जैसे कि आप वहाँ पे ट्राइपॉड पे कैमरा लगा दिया आपने और वहीं से आपको क्लिक करना है, तो आप वहाँ पे जाके क्लिक तो नहीं कर पाओगे, तो आप एस पेन ले लोगे, वहीं पे क्लिक करोगे तो फोटो क्लिक हो जाएगा। और यहीं से आप चेंज करना चाहते हो तो ऐसे करके एस पेन को ऐसे करिएगा तो वो मतलब फोटो आगे पीछे हो जाएगा। और वो एस पेन को आप उसके मतलब चार्जिंग मतलब नीचे के साइड में वो वहाँ पे लग जाता है, वहाँ पे रख जाता है और चार्ज भी होता है फ्रेंड्स। और वो एस पेन इसमें दिया होता है, इसको खरीदना नहीं पड़ता है अलग से फ्रेंड्स। इसमें ऑफर भी आया हुआ है, ये 24,000 में मतलब 25,000 में, वो 1 रुपया कम है तो मतलब 25 से बोलेंगे 1,25,000 में आपको एक घड़ी भी देखने को मिल जाता है, 14,000 रुपये का घड़ी, और आपको 4,000 से 5,000 का ईयरबड देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स। वॉच 4 क्लासिक करके कुछ इसके साथ घड़ी देखने को मिलता है, और वो आप चाहे तो ले सकते हो, नहीं तो नहीं ले सकते हो फ्रेंड्स। ये दोनों फोन 5G का फ्रेंड्स, 1 लाख से ऊपर का है तो 5G ना चले इसमें ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ पे सारी कनेक्टिविटी दी हुई है, सारे सेंसर दिए हुए हैं आपको। आईफोन में क्या है कि आपको फेस आईडी देखने को मिल जाता है, और सैमसंग में आपको इन डिस्प्ले अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही फास्ट है। ये मतलब बहुत सारे फिंगरप्रिंट के बारे में भी कभी आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, ये फिंगरप्रिंट बहुत ही फास्ट होता है, आप अभी के लिए इतना ही जान लो फ्रेंड्स। ये अभी लॉन्च हुआ था, अभी S23 अल्ट्रा लॉन्च हुआ था 2023 1 फेब को, और ये 2022 7 सितंबर को। और फ्रेंड्स, ये जो आईफोन है ये आपको आईपी रेटिंग के साथ देखने को मिलता है, जो कि IP68 है, और वो सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा भी IP68 है। ये अब बोलता है कि आप 6 मीटर तक पानी में के अंदर ले जा सकते हो और 30 मिनट के लिए, लेकिन यहीं पे ये थोड़ा सा बैड बुरा बात देखने को मिलता है कि 1.5 मीटर तक अंदर पानी में ले जा सकते हो 30 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स, ये फोन जो है आईफोन 14 प्रो मैक्स 240 ग्राम का है, और वो जो है वो 234 ग्राम का है, तो आपको S23 अल्ट्रा थोड़ा लाइट देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको बात करें मतलब प्रोटेक्शन के बारे में, तो फ्रेंड्स आईफोन एल्युमिनियम मतलब
स्टेनलेस स्टील बिल्ड के साथ आता है और ये भी मेटल बिल्ड के साथ आता है और ये शायद एल्युमिनियम के साथ आता है फ्रेंड्स, इतने अच्छे से पता नहीं है, यहाँ पर मेंशन नहीं है। और यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 देखने को मिल जाता है, जो कि सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा में आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 देखने को मिलता है दोनों तरफ, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पर आपको आईफोन में भी देखने को मिल जाता है थिन शील्ड का, नहीं मतलब क्या बोलते हैं इसको, तो फ्रेंड्स आपको आईफोन में सिरामिक लेयर देखने को मिल जाता है, जो कि वही विक्टस 2 वाला ही काम कर देता है। और आपको सिम की बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 2 नैनो सिम डाल सकते हो, और मतलब S23 अल्ट्रा में यहाँ पर आपको 2 नैनो सिम और एक यहाँ पर आप डुअल सिम का सपोर्ट है फ्रेंड्स दोनों में इंडिया में आप एक ई सिम डाल सकते हो और एक क्या बोलते हैं फिजिकल सिम। इस सिम में क्या होता है कि आप वो लगा सकते हो, जैसे कि आपका जियो का है और आप चाहोगे तो आपका फिजिकल सिम इसके अंदर नहीं जाएगा, सॉफ्टवेयर से ही मतलब वो सिम अंदर कोई अलग सिम लगा हुआ है और वो आ जाएगा आपके फोन में और उसका नेटवर्क इसमें चलाएगा, जैसे आप सिम पोर्ट कराते हो दूसरे सिम से इसमें चलाता है वही सेम होगा इसमें भी। और आप चाहोगे तो डिलीट कर सकते हो, लेकिन इतना आसान नहीं है फ्रेंड्स, वो मतलब कोई डिलीट कर देगा फिर सिम, तो इसीलिए वो थोड़ा सा प्रोसेस वाला होता है, जो कि आपको कभी अलग वीडियो में देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। चाइना में आपको ये देखने को मिल जाता है ये एक सिम मतलब डुअल नैनो सिम के साथ, जो कि यहाँ पर अभी चलता है वही यहाँ चाइना में देखने को मिल जाएगा, आपको डुअल नैनो सिम डाल सकते हो, लेकिन अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा USA में आप क्या आप दो ही। तो फ्रेंड्स आपको दोनों फोन में कार्ड स्लॉट देखने को नहीं मिलेगा, आप कोई भी एक्सटर्नल स्टोरेज इसमें नहीं लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स आपको दोनों में ही OLED मतलब डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि OLED डिस्प्ले का मतलब मैन्युफैक्चरिंग मतलब आईफोन में जो OLED डिस्प्ले यूज होता है वो भी सैमसंग का ही होता है, सैमसंग का सबसे बड़ा कस्टमर एप्पल ही है फ्रेंड्स, वो डिस्प्ले जिस मतलब आपके फोन में आईफोन में यूज होता है वो सैमसंग का डिस्प्ले ही होता है। यहाँ पर आपको OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है आईफोन 14 प्रो मैक्स में, जो कि 120 हर्ट्ज का है और यहाँ पर आपको 200 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको 2K मतलब S23 अल्ट्रा में आपको 2K डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि इससे अच्छा है मतलब रेजोल्यूशन में, और यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज देखने को मिल जाता है जो कि सिमिलर है, और यहाँ पर आपको 1750 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। इसके कंपैरिजन में आईफोन 14 प्रो मैक्स का डिस्प्ले ज़्यादा ब्राइट है फ्रेंड्स, और यहाँ पर आपको कनेक्टिविटी की कोई इशू नहीं होगी, यहाँ पर सभी तरह के आपको मतलब नेटवर्क से रिलेटेड सभी सेंसर दिए हुए हैं आपके दोनों फोन में। और फ्रेंड्स जो आपका ये आईफोन 14 प्रो मैक्स है वो iOS 16 पर आता है, जो मतलब अभी अपग्रेड हुआ है iOS 16.3 जो कि वर्जन है उसका, और ये एंड्रॉयड 13 पे आता है जो कि 5.1 UI है जो कि सैमसंग का है। और फ्रेंड्स आपको दोनों फोन में वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, और आपको सैमसंग S23 अल्ट्रा में आपको रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी देखने को मिल जाएगा, मतलब क्या होगा कि आप उसमें जो आपका ईयरबड है वो वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है तो आप उसके ऊपर रख दोगे तो उसमें में हो जाता है फ्रेंड्स, लेकिन सैमसंग मतलब आईफोन में देखने को नहीं मिलेगा। आईफोन फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता है, 15 वाट मैक्सिमम, और वो 45 वाट तक चार्जिंग सपोर्ट करता है फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको हाईएस्ट मतलब इंटरनल स्टोरेज आपको आईफोन 14 प्रो मैक्स में 1 TB तक की मिलती है, और यहाँ पर भी आपको 1 TB तक की मिलती है टाइप, और यहाँ पर UFS 4.0 देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी फास्ट है फ्रेंड्स। कैमरा मॉड्यूल की बात करें तो यहाँ पर आपको प्राइमरी कैमरा आपको आईफोन 14 प्रो मैक्स में आपको देखने को मिल जाता है 48 मेगापिक्सल का, और S23 अल्ट्रा में आपको 200 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको दो कैमरा और देखने को मिल जाते हैं 12 मेगापिक्सल के फ्रेंड्स। इसके सारे मतलब कैमरा OIS को सपोर्ट करता है, मतलब ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, और यहाँ पर आपको 3x का मतलब आईफोन 14 प्रो मैक्स में आपको 3x का जूमिंग देखने को मिल जाता है ऑप्टिकल, और सैमसंग S23 अल्ट्रा में आपको 200 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर आपको 10x का ऑप्टिकल जूमिंग देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स। कैमरा में नो डाउट सैमसंग अच्छा है, और
कम दाम में भी। तो फ्रेंड्स आईफोन 14 प्रो मैक्स में आपको डुअल मतलब वो फ्लैश होता है, वहाँ पे आपको दो एलईडी देखने को मिल जाता है एक ही में, और वहाँ पे आपको एक ही देखने को मिलेगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको आईफोन 14 प्रो मैक्स में आप 4K में 24fps, 25fps, 30fps और 60fps में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन सैमसंग में आपको यही 8K का तक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। फ्रेंड्स आप उसमें 8K में 24 और 30fps में वीडियो बना सकते हो, और 4K में 30 और 60fps में, और 1080 में तो सभी बना सकते हो। HDR ये भी सपोर्ट करता है और वो भी सपोर्ट करता है। और तो फ्रेंड्स आपको दोनों फोन में स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको म्यूजिक क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप मीडिया मतलब गाना वगैरह वीडियो वगैरह देखते हो तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पर 3.5mm जैक गैप कर दिया है दोनों में से, मतलब कभी एक नहीं था, पहले आईफोन गैप करता है और सैमसंग देख के रोस्ट मारेगा, फिर वो खुद भी गैप करेगा। पहले हेडफोन जैक गैप किया और फिर से चार्जर भी गैप कर दिया। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आईफोन 14 प्रो मैक्स में डुअल हॉटस्पॉट का सिस्टम देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको 14 प्रो मैक्स में आपको डुअल बैंड हॉटस्पॉट देखने को मिल जाएगा, और S23 अल्ट्रा में आपको ट्रिपल बैंड हॉटस्पॉट देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स दोनों में आपको ब्लूटूथ 5.3 देखने को मिल जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको लाइटनिंग USB मतलब OTG लगाइएगा तो USB 2.0 देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर 3.2 OTG सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए।